In previous lecture of trigonometric inverse trigonometric function chapter, we have to study basic concept when a trigonometric function is inevitable. Okay? तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में इन्वर्टेबल नहीं होता है. अगर हम उसके डोमेन को किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो उस सिचुएशन में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा 1-1 और ऑन 2 होता है. जैसे मैंने बताया था साइन के केस में -90 से +90 के बीच में, कॉस का 0 से पाई के बीच में, टेन का -90 से +90 ओपन इंटरवल, इसी तरह आपने निकाला. फिर तो फिर पहला काम ये कि उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. फिर हमने ग्राफ बनाया था. ग्राफ में आपको बताया था कि कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वाई इज इक्वल टू एक्स जो होता है वो एज ए मिरर इमेज का काम करता है. ठीक है, तो ये तो पिछला लेक्चर था, बस बेसिक इंट्रोडक्शन था. आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टी और प्रिंसिपल वैल्यू को सॉल्व करेंगे. तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था, ये देखिए ध्यान से, कि कोई फंक्शन जैसे डोमेन था हमारा तो साइन पर था, साइन इनवर्स जो होगा उसका डोमेन -1 से +1, रेंज -90 से +90 होगा, कॉस इनवर्स का -1 से +1, रेंज 0 से पाई होगा, और टेन का डोमेन रियल नंबर होगा, रेंज -90 से +90 ओपन इंटरवल, इस तरह से. आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड और फिर कुछ प्रॉपर्टी को सॉल्व करने वाले. ओके, तो आइए देखते कुछ क्वेश्चन हम लोग. देखिए आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू. प्रिंसिपल वैल्यू आप क्वेश्चन को देखो, कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो देखो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से +1. तो आपने देखा कि कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी, तो इसका रेंज 0 से π के बीच में आएगा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इस सिस्टम को बना लो, सिंपल से. इट इज़ ए ओरिजिन, इट इज़ ए π/2, इट इज़ ए पाई, इट इज़ ए 3π/2, और ये जो रीज़न होता है आपका, दिस रीज़न, ये होता है -π/2 से लेकर के +π/2 वाला. ठीक, और इसमें तो सभी ऑल हमारे पॉजिटिव होते हैं. और अब जब इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो इसमें हमारा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स नेगेटिव होगा, और यहाँ पे हमारा कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स नेगेटिव होगा. ये ध्यान रखना आपको, और ये जो रीज़न होगा हमारा बस ऐसे दो जगह बटा था, हमारा 0 से लेके 180 के बीच में होता. तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो बस ये अगर पूरा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे इन्हीं 6 पे, इनको तो याद रखना है आपको. सिंपल ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, देखो कैसे लगेगा मैं बताता हूँ. सब ओरल मुझवानी क्वेश्चन हमारा. कॉस की वैल्यू -1/√2, सीधे सीधे कहेंगे अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो 0 से 90 के बीच में आएगा, नेगेटिव होगा तो 90 से 180 के बीच में आएगा. टेन इनवर्स की बात करें, टेन पॉजिटिव होगा तो उसका होता -90 से +90, पॉजिटिव होगा तो 0 से 90 आएगा, नेगेटिव होगा तो -90 से, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा. कॉट इनवर्स, कॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो 0 से 90 आएगी, वो नेगेटिव है तो 90 से 180 के बीच में आएगा. बहुत आसान तरीका है लगाने का, बस करना क्या आपको है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस एंगल को पता कर लीजिए पॉजिटिव के लिए. अगर वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो आप π-θ का इस्तेमाल करो, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है तो आप -θ लिख देना, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा. आइए हम आपको दिखाते हैं, 2-3 सवाल ही लगाना, ज़्यादा नहीं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर एंटर करने वाले. जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका है, तो इसके लिए आपको नॉलेज क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स हमारा है. तो हम क्या करेंगे, इसको जब ऐसे लिखेंगे तो लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू, हमने लिख लिया थीटा या एक्स लिख लिया हमने, जो इच्छा करे आपकी. फिर लिखेंगे एक्स की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, 0 से π के बीच में, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है इसका रेंज 0 से, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π के बीच में आती है. ओके, तो यहाँ तक आ गया हमारा. जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2. कॉस की वैल्यू नेगेटिव है तो हमको पता है कॉस की वैल्यू नेगेटिव या तो सेकेंड में होती है या तो थर्ड में होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है. तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कॉस एक्स की वैल्यू -1/√2 वैल्यू जो आएगी वो कितने पे आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कॉस
45, 1 अपॉन अंडर टू होता है कॉस नेगेटिव है तो सेकेंड क्वारनेट में होगा तो 180 में उसको घटा दोगे तो पाई माइनस सीटा मतलब 180 माइनस 45 135, तो उसी को हम लोग लिखते हैं 3 पाई बाई 4, क्योंकि 3 पाई बाई 4 की वैल्यू इसके बीच में होती है तो ये एक्स इज इक्वल टू आपका 3 पाई बाई 4 हो जाएगा और 3 पाई बाई 4 की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। ये पहला क्वेश्चन हमारा लग गया, कोई डाउट किसी को? इसके बाद आइए देखें दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बस दो ही तीन बताऊंगा फिर नेक्स्ट पे चला आऊंगा। मान लें इसको निकालना, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि x है। अब बारी आएगी तो टेन की वैल्यू, डोमेन सेटअप ऑल रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आती है, तो हमने लिख दिया कि x बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 के बीच में। अब 10 अगर नेगेटिव है तो झट से आप इसको देखो, ऐसे नेगेटिव है तो इसमें आएगा, पॉजिटिव है तो इसमें आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया 10 एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ रखा था, ये देखो 10x, और फिर हमने पढ़ा है कि 10 की वैल्यू अंडर रूट 3 जो होती है 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3 होती है। फिर हमने एक और फार्मूला पढ़ रखा था कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है ऐसे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा और इट बिलोंग टू माइनस 90 टू प्लस 90। बस शुरू में लिखना, आप तो इसको ओरल भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, एक ये बन गया। इसी तरह इसके थर्ड को देखना है, थर्ड को देखना है अगर तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, तो ये सब मैंने कहा कि एकदम आप मुझमा नहीं बता सकते हो, कॉट की वैल्यू माइनस में आ रही है, कॉट नेगेटिव आ रहा है मतलब कहाँ पे होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट 45 हमारा 1 होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 पाई बाई 4, और कॉट इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रहा है। क्लियर, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो कहोगे साइन यहाँ पे माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर लिखेंगे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 आएगी, तो हमको पता है साइन की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 60 डिग्री पे होती है, तो इसका पाई बाई 3 लिख देंगे। सेक इनवर्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको कैसे करना है, एक और दिखाते हैं आपको, देखो ध्यान से। तो जैसे मान लीजिए इसको लगाना, तो मैंने ये सब टोटल ओरल था आपका, तो पहली एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई। हमने मान लिया x, और x की वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर के पाई तक एक्सेप्ट 90। अब आपको ये बताना है कि सेक की वैल्यू नेगेटिव है तो वो किस में होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो जब यहाँ से आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा sec x इज इक्वल टू माइनस 2, और sec की वैल्यू माइनस 2 कब होती है, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि sec नेगेटिव या थर्ड सेकेंड में होता है या तो थर्ड में होता है। तो अगर माइनस 2 आ रही है तो sec की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद होगा कि cos 60 1 अपॉन 2 होता है, तो sec 60 होगा, तो ये वैल्यू जो आती है तो इसकी जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, तो ये लिखते हैं sec पाई माइनस पाई बाई 3। आप इसको सॉल्व करिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये sec x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और ये 2 पाई बाई 3 की वैल्यू जो है 0 से पाई एक्सेप्ट 90 के बीच में आती है। तो आप ऐसे लिखो, चाहे ओरल बता सकते हो, कुछ भी नहीं करना, तो एक क्वेश्चन तो आपका एकदम बोर्ड में पक्का हो जाता है। ओके, अब मैं इसके बाद आप कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए इसके बाद अब प्रॉपर्टी पे, तो हम लोगों ने पहले वो 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली, नेक्स्ट हमारा जो होता है इसे हम सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि कोई फंक्शन अगर उसके इनवर्स का हम कंपोजिशन करते हैं तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। पहला है साइन इनवर्स, इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ ए साइन इनवर्स एंड साइन एक्स। फिर आपने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि जो फंक्शन बाद में होता है डोमेन उसी का लिया जाता है, तो दैट इज साइन एक्स, तो इसका डोमेन माइनस 90 से प्लस 90, कॉस का डोमेन 0 से पाई 10 का, ऐसे तो ये सबका जैसे पिछला आपने पीछे याद किया से, अगर यही चीज़ हम साइन साइन इनवर्स एक्स करते हैं तो इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, टेन इनवर्स और सबका हमने साइन में, यहाँ पे इसका डोमेन साइन इनवर्स का डोमेन माइनस 1 से प्लस 1 के पीछे, तो ये हमें पूरा याद होना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम लोग को सीखना है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टीज। आइए कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। इस पर देखिए, हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी वैल्यू निकालनी है,
पाई बाई थ्री आपका होता है 60 डिग्री, तो ये 7 sin 7 π/3 की वैल्यू 60 मतलब 420 डिग्री वैल्यू आएगी। अब आप इसको कैसे पता करोगे ये आपको निकालना है बेटा। तो 420 डिग्री लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे कैसे तो आइए देखा जाए। जैसे मान लो हमने बताया कि ये जो हमारा आता है ये आपका साइन 420 डिग्री आएगा, ठीक। तो इस 420 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को फॉर्मूले। और फिर हमने क्या किया कि इसकी जगह पे लिख दिया साइन 60 डिग्री, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा है सिंस वी नो दैट साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ओके। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह, तो हम क्या करेंगे जब इसको लिख रहे हैं हम लोग, तो इन प्लेस ऑफ दिस 7, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ऐसे, तो 7π/3 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन, इन प्लेस ऑफ 7π/3 वी हैव टू राइट साइन 60 डिग्री दैट इज π/3। तो हमने इसकी जगह पे π/3 लिख दिया और ये π/3 की वैल्यू हमारी -90 से +90 के बीच में आ रही, क्योंकि आपसे प्रिंसिपल वैल्यू कह रहा, तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो -90 से +90 आना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए ज़रा सा हम लोग, कि अगर हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं सिंपल, देखिए ये सेकेंड वाला, ये आपका है सेकेंड कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, 7π/6, पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, 210 डिग्री। तो आप इस 210 डिग्री की जगह पे क्या लिखोगे, अगर 180 प्लस थीटा लिखोगे तो माइनस, अभी वो फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसके बाद बताने वाला हूँ जस्ट है। तो इस 210 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे 360 माइनस 150, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो आती है, तो ऐसा लिख रहा है हम लोग को। तो यही ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ऐसे करना कि यहाँ पे लिख देना इज इक्वल टू 7π/6 एंड इट डज नॉट बिलोंग टू 0 to π। तो हमें एक्स की जगह पे थीटा की जगह, इसकी जगह पे ऐसी वैल्यू लिखनी है जो 0 से π के बीच में। तो ये हमारा 210 डिग्री है, 210 डिग्री को 360 माइनस 150 डिग्री लिख सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए नाउ ये हो जाएगा कॉस 7π/6 कैन बी रिटन एज 360 मतलब 2π माइनस 5π/6, 5π/6, ठीक। देखिए ध्यान से, 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, और कॉस आपने पढ़ा है कि 360 माइनस थीटा, याद होगा फार्मूला बेटा आपको कि कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होता है कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट 5π/6। तो हमने क्या किया कि 7π/6 की जगह पे 5π/6 लिख दिया। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इन प्लेस ऑफ दिस 7π/6 वी हैव टू राइट 5π/6 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5π/6 एंड दैट वैल्यू बिलोंग टू 0 to π। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक नंबर का क्वेश्चन आपका एकदम मिलता है ऐसे कि जब भी आप निकालते हो कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन होगा ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में ही आना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड वाले क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे लगाएंगे आप ऐसे। तो बस दो दो तीन तीन क्वेश्चन सबका मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। इसका थर्ड वाला ये था आपका कि टेन इनवर्स टेन 7π/6। फिर आप ध्यान से देखिए इधर कि आपने पढ़ा कि टेन इनवर्स 10π, तो जब 10 का होता है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 से +90 आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 7π/6 आएगा और इट डज नॉट बिलोंग टू -90 टू +90 ओपन इंटरवल।
है तो है नहीं। अब सोचो दिस इज अ 7 पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 180 डिग्री। हम 180 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 210, 210 को 100 तो जो लिखना, तो अब इसको लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टेन 7 पाई बाय 6 दैट इज 210 डिग्री, एंड दैट 210 डिग्री कैन बी 180 प्लस थीटा। तो इसको लिखते हैं 180 मतलब टेन, इट इज़ ए टेन पाई प्लस पाई बाई 6। ध्यान से देखिए, और फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा है, याद करो, मेन फार्मूले आपके ये होते हैं कि टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्यों? ऑल साइन टेन से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इस पे लाई करता है और इसमें टेन हमारा पॉजिटिव होता है। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप ऐसे, तो 10 टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाय 6 इन प्लेस ऑफ दिस 7 पाई बाय 6 वी हैव टू राइट व्हाट, आप इसकी जगह लिख दोगे पाई बाय 6, कोई फंक्शन उसकी इनवर्स का जब कंपोजिशन करेंगे तो ये आएगा, और ये वैल्यू हमारी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, नेगेटिव आर्गुमेंट। देखिए, जैसे नेगेटिव आर्गुमेंट का मतलब, आपने पिछले साल एक फार्मूला पढ़ा था, याद करो कि हम लोग ऐसे पढ़ते थे, मे बी रिकॉल करना है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, दैट इज थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। तो हम लोग ऐसे फार्मूला पढ़ते थे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता था माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता था कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता था माइनस टेन थीटा, याद पड़ रहा होगा आपको। तो इन द सेम वे इनवर्स में भी कुछ ऐसा होता है क्या, आज हम लोग यही सीखेंगे। तो इनवर्स में जब ऐसा केस होता है, तो अभी हमने आपको बताया था पूरा, जब आपने बनाया था ऐसे करके, तो इनवर्स वाले उन्होंने क्या किया था कि माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में जब भी चलेंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे टेन इनवर्स, और यहाँ पे ये आपका होता था कॉसेक इनवर्स नेगेटिव, ये सब नेगेटिव होते थे। इस वाले में आपका कॉस इनवर्स आया था, सेक इनवर्स आया था, और ये आपका कॉट इनवर्स आया था। तो बस उसी के बेस पे हम लोग ये पहले प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, फिर एक एक सबका प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। जैसे प्रूफ करना, तो ये हमारा आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, देखो तो ये नेगेटिव, फिर आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स नेगेटिव था जैसे आज याद किया था, इसके बाद कॉसेक माइनस ऐसे होता था, फिर आपने देखा था कि जो नेगेटिव हमारा कॉस कॉट और सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में होते थे, तो इसको हमने लिख दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज ए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज ए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक दोनों का प्रूफ कर देते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग को प्रूफ करना सीखना है, कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला प्रूफ करना है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स बिलोंग टू कितना होता है आपको, साइन इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हो, तो ये आपका माइनस पाई बाई टू से लेकर के साइन इनवर्स है ना, नहीं माइनस वन से प्लस वन के बीच में आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में आएगी। अब आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, हाउ टू प्रूव दिस वन, इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, किसी एक को। तो हमने क्या किया कि हमें यार दिक्कत तो इसके बारे में तो देखे, इसी को हमने क्या किया कि ऐसे ले लिया कि लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने मान लिया वाई, एंड वी नो दैट जब यहाँ पे हम एक्स की जगह पे माइनस वन से प्लस वन के बीच में कोई भी रियल नंबर लिखेंगे तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू 90 से, तो ये वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू के बीच में आ जाएगी।
क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। भाई किसी फंक्शन का इन्वर्स करना है तो वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में होना चाहिए। फिर हमने क्या किया कि इसको ऐसे कर लिया, भाई देखो साइन वाई इज इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस एक्स था। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इसी माइनस को इसके साथ कर लेते हैं, दिस इज एक्स। और सिंस वी नो दैट हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स जो होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां से हमने इसको लिख दिया माइनस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे यहाँ पे माइनस एक्स बराबर साइन वाई, तो साइन इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया हमारा। हमने यहाँ पे इसको एक्स बराबर, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन वाई के बराबर आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और फिर इस वाई माइनस को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और फिर से इस वैल्यू को पुट अप कर देते हैं वाई की जगह पर। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस। तो आपको सिर्फ ये सब याद कर लेना, धीरे धीरे प्रूफ कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो याद तो करना ही पड़ता है। ये तो मान लीजिए पहला वाला रिजल्ट आ गया। जैसे मान लीजिए दूसरा वाला प्रूफ करना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप इस रिजल्ट को कैसे प्रूफ करोगे, उसके लिए क्या करिए आप ऐसे कि लेट, आप ऐसे मान लीजिए कि लेट किसी एक को कर सकते हैं। देखो ये आता है हमारा, हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया से, ठीक। अब फिर y की वैल्यू कितनी होती है आपको पता, y की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में होती है। तो यहां से y आ गया, तो हमने क्या किया इसको x इज इक्वल टू कॉस वाई कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि x इज इक्वल टू हमने कॉस वाई कर दिया, रिजल्ट हमें वो लाना है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कैसे आएगा, तो आपने एक चीज पढ़ रखी है कि सिंस वी नो दैट कॉस 180 माइनस वाई जो होता है, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस वाई। कॉस 180 माइनस इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई होता है, और यहां पे हम लोग को कॉस के साथ माइनस का साइन लगाना ही था। तो हम क्या करें, अगर यहां पे इसके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और हम लोग को पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इन प्लेस ऑफ दिस माइनस कॉस वाई हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे कॉस पाई माइनस वाई। अब क्वेश्चन ये है कि जब किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है तो उसका ये एंगल वाला पोर्शन प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में होना चाहिए। तो सिंस हमें वैल्यू तो वाई की दे रखी थी जीरो से लेकर के पाई के बीच में, तो क्या पाई माइनस वाई की वैल्यू भी उसके बीच में आ रही है। तो यहां पे माइनस से अगर हम पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और अगर हम सब में ऐड कर देते हैं ऐड पाई इन ऑल, तो इट इज अ पाई माइनस वाई, अगेन इट इज अ जीरो। तो वी फाइंड दैट कि इसका एंगल जो है वो जीरो से पाई के बीच में आ रहा है, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। जब इसका इनवर्स निकलेगा तो इसी को हम लोग करेंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस, और फिर क्या करेंगे पुट वाई इज इक्वल टू यहाँ से वन कॉस इनवर्स एक्स, कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऐसे। तो ये याद रखना है। आइए इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखा देता हूं, देखा जाए। जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहां पे देख रहा हूं इसका एंगल नेगेटिव है ना, तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पिछली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हम लोग को सोचना पड़ता था कि पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट में होगा, नेगेटिव होगा साइन तो फोर्थ में होगा, इसी तरह। लेकिन अगर आपको नेगेटिव आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टी पता है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है,
तो यहाँ पे अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी इन प्लेस ऑफ दिस पोर्सन अगर हम इस प्रॉपर्टी को लगाते तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स ये पॉजिटिव हो गया। फिर हमें क्या करना है, ये पता करना था कि ये पाई बाई थ्री आएगा और साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री होती है तो ये हमारा पाई बाई 6 हो जाएगा और दिस वन इज इक्वल टू साइन, ये आपका पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू साइन 90 हमारा 1 होता है। एक तो यहाँ से बन गया। अब इसी तरह का अगर एक और क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, इसी को धीरे से आपकी कॉस कर दिया। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या करते, देखिए ध्यान से, अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो दिखा रहे हैं आपको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, सिंस वी नो दैट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिखते हैं साइन पाई बाई 3 और इन प्लेस ऑफ ए दिस पोर्सन वी हैव टू राइट पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ऐसे। और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3 माइनस पाई और ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब बताओ कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो कहोगे 60 डिग्री पे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन पाई बाई 3 माइनस ही, ये भी हमारा 60 डिग्री पे आता है पाई बाई 3। तो यहाँ से जब इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो साइन दिस इज द पाई बाई 3 पाई बाई 3 तो ये आपका हो गया 2π/3 माइनस पाई 2π/3 120 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है साइन माइनस पाई बाई 3 60 के बराबर। और सिंस वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई भी होता है तो साइन की वैल्यू लिखेंगे तो ये माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव आर्गुमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सम वाली प्रॉपर्टी बतानी है तो लेक्चर आप एक्सरसाइज को ट्राई करिए। थैंक यू।